हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ICMR असिस्टेंट ग्रुप बी के रिज़ल्ट के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। ICMR का जो असिस्टेंट का ग्रुप बी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका रिज़ल्ट कब आएगा और क्या कट ऑफ जाने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो में हमने आपको बता रखा है जो आपका रिज़ल्ट है वो कब तक आएगा, क्या कट ऑफ जाने वाली है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए ताकि सभी दोस्तों को जानकारी पता चल सके। और चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि इस तरह के जॉब से रिलेटेड और नए नए अपडेट आपसे मिस ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे, यहाँ जो एग्ज़ाम हुआ था वो CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था और यहाँ टोटल क्वेश्चंस आए थे 80 मार्क्स के। दोस्तों, यहाँ जो कट ऑफ जाने वाली है वो हर एक कैटेगरी के लिए वो लगभग 60 से 65 के बीच में जाने वाली है, क्योंकि यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी थी। तो दोस्तों, यहाँ जो कट ऑफ है वो 65 कह सकते हैं, नॉर्मल कट ऑफ जाने वाली है। उसके बाद कैटेगरी वाइज वो कम हो जाएगी, मतलब OBC के लिए कह सकते हैं 60 हो जाएगी और अदर कैटेगरी के लिए और भी एक दो नंबर कम हो जाएगी। तो उसी हिसाब से आप जान सकते हैं कि आपका जो कट ऑफ है इस साल इसी के आसपास जाने वाले 60 to 65 या इससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही कोई अपडेट मिलेगी तुरंत आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ बात करें क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, ये भी जानना ज़रूरी है। तो दोस्तों, यहाँ आपको सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखना है, जैसे ही रिजल्ट आए तुरंत आप तैयार रहें वेरिफिकेशन के लिए। दोस्तों, बात करें यहाँ जो रिज़ल्ट है वो कब तक आने के चांस है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए जो वैकेंसी है वो कब आई थी और कैसे कैसे क्या प्रोसेस हुआ था। दोस्तों, यहाँ जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहाँ वैकेंसी का सारा डिटेल दिए हुए। यहाँ 7 तारीख को वैकेंसी यहाँ स्टार्ट हो गई थी, 7/11/2020 को। यहाँ लास्ट डेट 3/12/2020 थी और यहाँ एग्ज़ाम डेट भी 3/1/2021, मतलब 3 जनवरी 2021 को इसका एग्ज़ाम हो चुका है। दोस्तों, बात करें यहाँ रिज़ल्ट कब आएगा, तो रिज़ल्ट ICMR का लास्ट ईयर यही देखा जाता है कि हर साल जो रिज़ल्ट हैं वो यहाँ 1 महीने के बाद डिक्लेयर हो जाते हैं, हर साल यही होता है। दोस्तों, यहाँ जो रिज़ल्ट है वो 1 हफ्ते के अंदर कभी भी जारी किया जा सकता है। हालांकि चांसेस यही हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में रिज़ल्ट कभी भी जारी हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तुरंत के तुरंत आपको अपडेट मिल जाएगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर अधिक से अधिक करिए ताकि सभी बच्चों को सही और सटीक जानकारी मिल सके। और रिज़ल्ट से रिलेटेड कोई भी अपने मन में डाउट मत रखिएगा, क्योंकि यहाँ जो रिज़ल्ट है वो आप सभी का अच्छा आने वाला है, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान मत होइए। और रिज़ल्ट का वेट करिए, सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर आपका जो रिज़ल्ट है वो आपके हाथ में होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।